साई कैबिनेट की पहली बैठक होगी, कई प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। दरअसल मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र में जितने वादे किए हैं उन्हें लेकर चर्चा कैबिनेट के लोगों से आज करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री बनने के बाद दो प्रमुख घोषणाओं पर मुहर लगाने का वादा भी उन्होंने किया था। एक है 18 लाख पीएम आवास और किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात, दूसरी थी कई योजनाओं पर निर्णय लिया जा सकता है। सभी सचिवों के साथ बैठक बुलाई गई है। तो सीएम विष्णुदेव साय कार्यभार संभालते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पहला दिन है कैबिनेट मीटिंग का। आज कौन कौन से प्रमुख विषय जिन पर चर्चा होती है ये देखने वाली बात, और हो सकता है कि दो प्राथमिकताएं जो उनकी तरफ से बयां की गई पीएम आवास योजना को लेकर और किसानों को लेकर, हो सकता है कि उन पर भी मुहर आज इस बैठक में लगे। तो आप देख रहे हैं विष्णुदेव साय, और आज दोनों डिप्टी सीएम के साथ वो मौजूद रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में कौन से फैसले लिए जाएंगे, क्या फैसले लिए जाएंगे प्रदेश के लिए, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कई गारंटियां हैं जिन्हें पूरी करनी है, लक्ष्य है जिनका, और इन गारंटियों को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा स्लोगन जो पूरे चुनावों में चर्चा में रहा वो प्रधानमंत्री का स्लोगन कि बीजेपी की गारंटी, यानी कि गारंटी की भीगी गारंटी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और कहा कि ये मोदी की गारंटी है और इस पर विश्वास कीजिए। इन गारंटियों को पूरा करना बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसीलिए कैबिनेट की ये मीटिंग बहुत अहम। देखना होगा कि पहले दिन किन फैसलों पर बातचीत की जाएगी। तनु वर्मा जुड़ गई है फोन लाइन पर साथ। तनु, आज कैबिनेट की मीटिंग को लेकर क्या जानकारी आपके पास? आज मीटिंग शपथ लेने के बाद रायपुर में मंत्रालय भवन का जो है रुख किया था और यहाँ विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला, और इस दौरान विष्णुदेव साय ने कुछ फाइलें जो है वो साइन की थी। और ऐसे में इससे ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि विष्णुदेव साय जो है मोदी की गारंटी से जुड़ी कई बड़ी घोषणाओं पर आज जो है मुहर लगा सकते हैं, जिसमें किसानों को 2 साल के बकाया बोनस और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े ऐलान जो है वो हो सकते हैं। इसी दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने जो है कहा था कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन जो है वो आज होगा और इसमें सभी विभागों के सचिवों के साथ एक परिचात्मक चर्चा जो है वो होगी, और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा जिसमें, और इस कैबिनेट की बैठक में मोदी की गारंटी पर जो है वो चर्चा होगी। देखिए कल सीएम विष्णुदेव साय ने जो है कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी थी। फिलहाल अभी तक कैबिनेट की बैठक को लेकर और ये बैठक कितने समय होगी इसकी कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, और इन तमाम मुद्दों पर जो है कुछ प्राथमिकताएं जरूर तनु उन्होंने बताई थी, पीएम आवास को लेकर भी और किसानों को लेकर भी। हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो, और अब कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी बताइएगा कौन कौन से नए चेहरे और कब शामिल किए जाने हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर भी कल सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल को लेकर जो है वो अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था इससे पहले भी विष्णुदेव साय के जो बयान है वो सामने आते रहे। उन्होंने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख घरों को मंजूरी देने की बात उन्होंने कही थी, और इसके अलावा उन्होंने धान खरीदी को लेकर भी बयान दिया था जिसमें कहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य का संस्थापक पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 2 साल के लिए धान खरीदी का जो बोनस जो पिछली भाजपा सरकार में लंबित था वो किसानों को जो है दिया जाएगा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक में इन तमाम मुद्दों पर जो है मुहर लग सकती है। ठीक है, चलिए देखने वाली बात की कौन से अहम फैसलों को लेकर बात होती है। बहुत शुक्रिया आपका तनु। और इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने कल सीएम पद का कार्यभार संभाला, सीएम मंत्रालय पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सीएम ने कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा अभी इंतजार करना होगा। तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि विष्णुदेव साय ने पदभार संभाला और दोनों ही डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहे। विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने दोनों ही डिप्टी सीएम को मिठाई खिलाकर बधाई दी, शुभकामनाएं दी कि आज से तीनों को ही मिलजुल कर फैसला लेना है, छत्तीसगढ़ को संभालना है, जनता से किए गए वादों को पूरा करना है। ये खुशी का पल है और साथ ही चुनौतीपूर्ण भी तो है ही कि जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करना ये बड़ा लक्ष्य है। आप देख रहे हैं दोनों ही डिप्टी सीएम को मिठाई खिलाते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रदेश में अब विष्णु राज आ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली कल, और इस दौरान प्रदेश और देश के बड़े और दिग्गज नेता मौजूद रहे। देखिए, पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा। राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवा छत्तीसगढ़ अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं विजय शर्मा ने भी प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। प्रदेश में इस बार दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए साय की टीम तैयार हो रही है। इसके कंधों पर ही प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी रहेगी। नए चेहरे, नए तेवर और नए अंदाज में नए आयाम स्थापित होंगे। और छत्तीसगढ़ की धरा पर कल बड़े नेताओं की जमावट रही है। मौका शपथ ग्रहण समारोह का रहा और प्रधानमंत्री मोदी समेत देश और प्रदेश के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सादगी देखने को मिली। तो पीएम मोदी ने राज्यपाल के आगे से टेबल हटाई और ये दृश्य जो ये बताता भी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर हर व्यक्ति काम करता है और वही स्वभाव में भी देखने को मिलता है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री चाहते तो किसी का इंतजार कर सकते थे, किसी को कह सकते थे कि टेबल हटाई जाए, लेकिन खुद ही राज्यपाल के सामने से टेबल हटाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। ये तस्वीर है जिसके बाद नारेबाजी और ज़्यादा तेज हुई, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। तस्वीरें आप देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर थे, टेबल हटाई गई प्रधानमंत्री की तरफ से और इस दृश्य ने सभी को आकर्षित किया। चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी हो रही हैं, अलग अलग नेता जो दौड़कर सामने आए मदद के लिए, उससे पहले ही प्रधानमंत्री टेबल हटा चुके थे। और छत्तीसगढ़ कोल लेवी मामले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जाना है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच फैसला सुनाएगी। फैसला सामने आने के बाद ही ये सुनिश्चित होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया को कोर्ट से राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महादेव ऐप के मुख्य आरोपी पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। मुख्य आरोपी रवि उप्पल को दुबई से गिरफ्तार किया गया और अब इसके बाद करोड़ों के खेल में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी है। दुबई पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों में से एक रवि उप्पल को अरेस्ट कर लिया है, जल्द ही उसे भारत लाया जा सकता है। रवि उप्पल 6000 करोड़ रुपए के एक मनी लॉन्ड्रिंग केस का मास्टरमाइंड है, जिसमें छत्तीसगढ़ के निवर्तमान सीएम भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। सूत्रों के अनुसार उप्पल की गिरफ्तारी ईडी की ओर से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के चलते हुई। महादेव ऐप का दूसरा प्रमोटर सौरभ चंद्राकर भी जल्द ही यूएई में पकड़ा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद उसे भी भारत को हैंडओवर किया जाएगा। ईडी ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट से इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लिया, उसके बाद इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं रवि उप्पल है कौन। रवि उप्पल सट्टा किंग सरगना है, वो सौरभ चंद्राकर का साथी है, दोनों महादेव ऐप के मालिक हैं। रवि उप्पल भिलाई का रहने वाला है, सुपेला दक्षिण गंगोत्री में ये टायर की दुकान चलाता था, नलकूप खनन का काम भी किया करता था। रवि के पिता भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़े पद पर थे। रवि पर महादेव ऐप के जरिए 6000 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप है। 5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच कर रही है। दोनों दुबई से कंपनी चलाते हैं। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि रवि उप्पल ने सट्टे का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। तो आपको बता दें कि 2017 में वेबसाइट बनाई थी, शुरू में कम कमाई थी, जिसके बाद 2019 में वो दुबई चला गया और दुबई में महादेव बुक ऑनलाइन ऐप बनाया, जिसका चर्चित लोगों से प्रमोशन करवाया गया। 4000 से ज्यादा ऑपरेटर्स का नेटवर्क बनाया गया, तब रोजाना 200 करोड़ की कमाई होने लगी। काली कमाई से यूएई में साम्राज्य बनाया। कुछ समय पहले ईडी ने छापा मारा और मुंबई, कोलकाता, भोपाल में भी छापे मारे गए। करीब 39 ठिकानों पर छापे मारे गए, जिसमें 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
महादेव ऐप केस की जांच कर ही ईडी के रडार पर कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर आए थे। इस मामले में ईडी ने देश के कई शहरों में छापेमारी करके 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप है। इस पर लॉगिन करने वाले यूजर कार्ड गेम, चांस गेम, पोकर जैसे लाइव गेम खेलते थे। इस ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों में सट्टेबाजी भी की जाती है। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए महादेव बैटिंग ऐप का जाल पूरे देश में तेजी से फैला और इसमें सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए। सबसे पहले इस ऐप की शुरुआत साल 2019 में सौरभ चंद्राकर ने की थी। अब जबकि इसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है तो उम्मीद बड़े खुलासों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, रायपुर। महासमुंद का जिक्र करेंगे जहां से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक स्कूल वैन ने 1.5 साल के मासूम बच्चे को रौंद डाला। बच्चे की मौत हो गई है, जानकारी मिल रही है। परिजनों में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर वैन समेत फरार है। पूरा मामला पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम राजा सेवैया खुर्द का बताया जा रहा है और यह बेहद ही दुखद महासमुंद का मामला। परिजनों में कोहराम मचा है। परिजन रो रहे हैं और बुरा हाल हो चुका है। दर्दनाक यह हादसा, महज 1.5 साल की ये मासूम थी जिसे एक वैन ने रौंद दिया। ड्राइवर वैन सहित फरार है। आरोपी ड्राइवर जिसके बारे में लगातार जांच जारी है और पुलिस जांच कर रही है कि कहां का रहने वाला है ये ड्राइवर और कौन सी ये वैन थी। 1.5 साल की ये मासूम स्कूल वैन ने इसे रौंद दिया। बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है जहां छोटे डोंगर में आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए हैं जबकि एक जवान घायल हुए हैं। उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। आपको बताएं कि जवानों की टीम सर्चिंग पर निकली थी, आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसके चपेट में आकर कांस्टेबल कमलेश साहू शहीद हो गए। नक्सलियों ने आमदई खदान में विस्फोट किया था और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान और ज्यादा तेज कर दिया है। आशंका इस ओर सबसे ज्यादा कि कुछ और नक्सली हो सकते हैं और कुछ और आईडी हो सकता है कि प्लांट किए गए हों उस क्षेत्र में। सर्चिंग लगातार जारी है इस पूरे क्षेत्र की। डीआरजी के जवान भी लगातार इसी ओर मोर्चा संभाले हुए। नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर के आमदई खदान में करीब 11 बजे माओवादियों के द्वारा आईडी विस्फोट कर फायरिंग कर हमला किया गया है। जवाब में सुरक्षा बल के द्वारा भी जो है जवाबी कार्यवाही किया गया और नक्सलियों के हमले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 9वीं वाहिनी के एक जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गए हैं एवं एक आरक्षक विनय कुमार को मामूली चोट आई है जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, डीआरजी और आईटीबीपी के द्वारा जो है सर्च की कार्यवाही किया जा रहा है। कोरबा में हत्या के मामले में जेल से जमानत पर छूटे आरोपी ने मुख्य गवाह पर जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में घायल मुख्य गवाह को आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामला लेमरू थाना क्षेत्र का, दरअसल ग्राम पेंड्राडी जहां पर 5 साल पहले आरोपी आंतुराम ने एक भिखारी की हत्या की थी। मामले में छोटकाराम और उसका बेटा मुख्य गवाह है। जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी जब अपने गाँव पहुंचा तो बदला लेने की मंशा से मुख्य गवाह छुटका राम पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। मामा के नहावन बना के रहे तो मैं वहां नहान में चलते रहा का मामा के नहान में और वही मामा जिसे कि मोला मन मारपीट कर और वही कहे कि भाई तो मोला फांसे दे जेल में। अभी इतना खर्चा करवा दे मतलब 2-3 लाख तो अब भाई अब खर्चा कौन दे कह के तो अब थोड़ा तो जान समेत मार भी कर वो। जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे जहां चंगोरी गांव के गौठान में 37 मवेशियों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। मवेशियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अकलतरा एसडीएम के निर्देश पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ जहां मवेशियों की मौत जहर और मारपीट होने की आशंका जताई जा रही है। और कल भी एक खल खबर आई थी कि इस तरह का वाकया हुआ है
और बहुत ही दुखद घटना है, इतने सारे मवेशियों का एक साथ मारे जाना ये चिंता का भी विषय है। मेरी, मैं गांव भी गया था, वहां पे जैसी लोगों से बात हुई, कुछ अंदेशा भी लोगों को है कि शायद कुछ गलत कार्य वहां हुआ है। तो मैंने प्रशासन से भी बात हुई है और निवेदन है कि इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला थोड़ा गंभीर प्रकृति का है। कलधरा के चंगोरी ग्राम में कुल 37 मवेशियों की मौत की सूचना मिलते ही वहाँ पे वेटनरी विभाग, राजस्व विभाग और दो जनपद पंचायत की टीम मौके पर पहुंची और आज उनका सबेरे ही पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर बलरामपुर से है जहां के राजपुर वन परिक्षेत्र के पंचायत नरसिंहपुर में गन्ने के खेत में अवैध रूप से बिछाए गए करंट की चपेट में आने से एक नर हाथी की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचती है, जांच शुरू करती है, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाता है। आपको बताएं कि प्रतापपुर रेंज से 28 हाथियों का दल नरसिंहपुर की तरफ पहुंचा था और हाथियों ने पहले एक घर को तोड़ा, उसके बाद गन्ने की फसल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक हाथी करंट की चपेट में आ गया, मौके पर ही उसकी जान चली गई। इधर तार नहीं था ना, पूरा खून उधर, हां पूरा गया। हाथी आए तो एक घर को तोड़ा, तोड़ने के बाद जो है फिर गन्ना का खेत था, गन्ना खेत में चले गए, गन्ना खेत में गए पता चला कि सब हाथी तो साइड से निकले तो उधर कुछ नहीं था, वो लोग गन्ना खाए और चले गए। लेकिन ये जो है थोड़ा बगल वाला गन्ना में चला गया जिसमें जो है करंट से तार लगाया था, इसमें उसी करंट में वो फंस गया। और अगली बड़ी जानकारी बलरामपुर से है जहां 210 बोरी अवैध धान को जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा से धान की जब्ती हुई। राजस्व अधिकारी कुसमी ने कार्रवाई की है, धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर लगातार कार्रवाई चल भी रही है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज 18 के साथ।